हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ सिंह। आज मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th की टेक्स्ट बुक से एक इम्पॉर्टेंट एस्से ए फेलो ट्रेवलर का हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में यदि आप किसी अन्य टेक्स्ट का हिंदी में अनुवाद चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। First of all, I tell you about the essayist A.G.Gardiner. A.G.Gardiner was a journalist and essay writer, was born in 1865. He wrote several volumes of essays under the pen name of Alpha and Flo. His prominent work are Pebbles on the Shore and Leaves in Wind. He died in 1946. यहाँ से TGT, PGT या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि जो इनके एस्से पब्लिश हुए वो किस पेन नेम से पब्लिश हुए, तो इन उस अल्फा ऑफ द प्लो नाम से पब्लिश हुए थे। इनका जन्म 1865 में हुआ था और पेबल्स ऑन द सोर और लीव्स इन विंड इनकी प्रसिद्ध एस्से है, निबंध है। इनकी मृत्यु 1946 में हुई थी। आई टेल यू अबाउट द लेसन ए फेलो ट्रेवलर। द ऑथर Here describes how he develops a feelings of affection for a mosquito regarding him as a fellow traveler and a fellow mortal. यहाँ पर निबंधकार ये वर्णन करता है कि किस प्रकार एक लेखक या कहते हैं निबंधकार और एक मच्छर के बीच वार्तालाप हुई और अंत में लेखक का उसके प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ। आइए इसका हम हिंदी में ट्रांसलेट देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम्स। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू ए मिडलैंड टाउन। ए स्टॉपिंग ट्रेन एंड इन्फिनेटली लीजरली ट्रेन, one of those trains which give you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. निबंधकार कहता है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ विच ऑफ अस, हम में से किसने गॉट इन टू, मतलब होता है प्रवेश किया। गॉट इन टू ये एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इंटर, प्रवेश करना। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू, मैं नहीं जानता हूँ हम में से किसने पहले प्रवेश किया द कैरेज, डिब्बे में फर्स्ट, पहले। इनडीड वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि ही वॉज इन द कैरेज, कि वो डिब्बे में ही था, एट ऑल फॉर सम टाइम्स, कुछ समय से। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट, मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से कौन सबसे पहले डिब्बे में प्रवेश किया। वास्तव में, इनडीड वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल सम टाइम्स, कि वो कुछ समय पहले से ही डिब्बे में। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड टाउन, ये सबसे आखिरी ट्रेन थी जो लंदन से मिडलैंड शहर तक जाती थी। ये स्टॉपिंग ट्रेन, ये रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। उस समय में पैसेंजर ट्रेन चलती थी, पैसेंजर ट्रेन जो हर स्टेशनों पर रुकती थी। एंड इन्फिनेटली लीजरली ट्रेन, इन्फिनेटली मैंने वास्तव में कह सकते हो पूर्ण रूप से, ये आरामदायक ट्रेन थी, एक
आरामदायक ट्रेन, एक आनंद का एहसास कराने वाली ट्रेन थी, वन ऑफ दोज ट्रेन्स, ये उन ट्रेनों में से एक थी व्हिच जो गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको गिव यू माने आपको देता है क्या, अंडरस्टैंडिंग माने ज्ञान देता है ऑफ इटर्निटी में अनंत काल का। ये एक ऐसी ट्रेन थी जो आपको अनंत काल का ज्ञान कराती थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये पूर्ण रूप से भरी थी। टॉलरेबली मतलब होता है पर्याप्त, इनफ, पूर्ण रूप से भरी थी। व्हेन जब इट स्टार्टेड, जब ये चलना प्रारंभ हुई थी, अर्थात जब ये लंदन से ट्रेन स्टार्ट हुई थी चलना, तो ये पूर्ण रूप से भीड़ से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबअर्बन स्टेशन, लेकिन हम जैसे जैसे रुकते गए, सब अर्बन का मतलब होता है उपनगरीय, स्टेशन माने होता है स्टेशनों पर, जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर उतरते गए, स्टॉप रुकते गए, द ट्रेवलर्स जो यात्री थे, एलाइटेड, एलाइटेड मीन्स होता है उतरना, वो उतरते गए इन वंस और टूज, एक या दो दो करके, एक एक करके या दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम, और जिस समय वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जिस समय हमने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ा, आई वॉज एलोन, मैं अकेले था, और रेदर आई थॉट आई वॉज एलोन, और मैं ये सोच रहा था कि मैं बिल्कुल अकेले हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं बिल्कुल अकेले था, देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बींग एलोन इन द कैरेज दैट आई जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। अब प्लीजेंट सेंस, एक सुखद अनुभव, प्लीजेंट सेंस का होता है एक सुखद अनुभव, आनंद की अनुभूति कराने वाला, और फ्रीडम आज़ादी का, आज़ादी का एक सुखद आनंद देने वाला अबाउट बींग एलोन एहसास होता है कब, जब आप अकेले होते हैं इन द कैरेज, कैरेज में होता है ट्रेन का डिब्बा, जब आप किसी ट्रेन के डिब्बे में अकेले होते हैं तो आपको आज़ादी का एक सुखद आनंद प्राप्त होता है। डैट जो इज ज्वेल्टिंग नॉइजली, जो ज्वेल्टिंग में होता झटके देकर चलने वाली ट्रेन थी, नॉइजली आवाज करते हुए, थ्रू द नाइट पूरी रात चलने वाली, पूरी रात, ये कैसी ट्रेन थी जिसमें लेखक यात्रा कर रहा है, ये कैसी ट्रेन थी जो पूरी रात आवाज करते हुए और झटके देते हुए ये चलती थी। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंड इन ए वेरी एग्रेबल फॉर्म, इसमें लिबर्टी आज़ादी थी, आज़ादी का एहसास था, एंड अनरेस्ट्रेंड और बंधन मुक्तता थी, इन एवरी ग्रेबल फॉर्म, प्रत्येक आनंददायक रूप में, ग्रेबल फॉर्म में इसका आनंददायक, प्रत्येक आनंददायक रूप में इसमें क्या थी, बंधन मुक्तता थी, कोई बंधन नहीं था, यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक जो आप चाहो, ट्रेन में जब कोई ना हो आप जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई देखने वाला नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, आगे कह रहा है निबंधकार, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बातें कर सकते हैं, एज लाउड एज यू प्लीज, जितना जोर से चाहें उतने जोर से, जितना जोर से, एज लाउड एज यू प्लीज का मतलब होता है जितना जोर से चाहें उतने जोर से आप अपने आप से बातें कर सकते हैं, एंड नो वन विल हियर यू, आपको कोई सुन नहीं पाएगा। यू कैन हैव डैट अजमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ये काउंटेस्टो, यू कैन हैव डैट अर्जमेंट, आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, अर्जमेंट मीन्स होता है तर्क वितर्क करना, विद जॉन्स, जॉन्स के साथ, यहां एक काल्पनिक व्यक्ति जॉन्स का नाम लिया गया है, विद्वान मान सकते हैं, आप उससे क्या कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, एंड रोल हिम, और उसको धूल चटा सकते हैं, सॉरी रोल हिम डेफिनेटली, और विजयपूर्वक इन द डस्ट उसको धूल चटा सकते हैं, रोल हिम ट्रम्फनेटली इन द डस्ट, ठीक है ना, विजयपूर्वक उसे आप धूल चटा सकते हैं, विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी विरोधी प्रहार के, काउंटर स्ट्रोक का मतलब विरोधी प्रहार का,
द्वंद्व वहां होता है जहां पर कोई प्रतिद्वंदी होता है, तब हार जीत का निर्णय होता है। लेकिन यहां लेखक कुछ इस प्रकार कह रहा है कि वो अकेले ही जॉन को हरा सकता है क्योंकि सामने कोई प्रतिद्वंदी उसका नहीं है। बिना विरोध के, प्रहार के, भय के वो धूल चटा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हैंड, इतना ही नहीं आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं, एंड नो वन विल सी यू, आपको कोई देख नहीं पाएगा। यू कैन सिंग, आप गाना गा सकते हैं, और डांस टू स्टेप, एक या दो स्टेप आप डांस कर सकते हैं, एक या दो कदम, और अथवा प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या आप गोल्फ के स्ट्रोक का, गोल्फ खेलने का अभ्यास भी कर सकते हैं, और प्ले मार्बल्स इन द फ्लोर, या आप चाहे तो ट्रेन के डिब्बे में जो फर्श है उस पर आप मार्बल जो होता है कंचा, गोली भी खेल सकते हैं विदाउट लेट ऑन हिंड्रेंस, बिना किसी हिंड्रेंस के, हिंड्रेंस होता है बाधा, बिना किसी बाधा के आप गोली खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं, और शट इट, या इसे बंद कर सकते हैं विदाउट प्रियोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोधी उत्तेजना के, बिना किसी विरोधी उत्तेजना के आप इसको कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप चाहें तो आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं अथवा दोनों बंद कर सकते हैं। इंडीड, वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, वास्तव में आप क्या कर सकते हैं, आप उनको खोल सकते हैं एंड शटिंग देम, और उन्हें बार बार बंद कर सकते हैं एज अ शॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, और इस तरीके से आप एक शॉर्ट वाला छोटी फेस्टिवल माने त्यौहार, और फ्रीडम माने आज़ादी का, इस प्रकार आप एक आज़ादी का छोटा सा त्यौहार या पर्व मना सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप कोई भी डिब्बे का कोना चुन सकते हैं, एंड ट्राई ऑल देम टू टर्न, और बारी बारी से उनमें बैठने का प्रयास भी कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पूरा पैर फैलाकर लेट सकते हैं ऑन द कुशन, कुशन में होता है गद्दी पर, ट्रेन के डिब्बे में जो गद्दी है लगी होती है उस पर आप पूरा पैर फैलाकर लेट सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि ट्रेन में कोई नहीं है। एंड enjoy द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, आप विलासिता, लग्जरी में होता है विलासिता, आनंद, आराम, इसका क्या कर सकते हैं, ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, नियम को तोड़कर आप इसका आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा, यथासंभव आप डोरा के हृदय को स्वयं इस प्रकार तोड़ सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो, क्योंकि डोरा को ये पता ही नहीं चलेगा डैट की हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप इस प्रकार डोरा के नियम से भी एस्केप्ड हो जाएंगे, इसके मतलब होता है बाय सेव, से मतलब होता है बच जाना, आप बार बार डोरा के नियम से भी बाल बाल बच सकते हैं। यहाँ डोरा जो है एक प्रकार का वर्ड यूज किया गया है, डोरा, डोरा के बारे में बता दें, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट इन फोर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914-1918। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में क्षेत्र रक्षा कानून बनाया गया था, तो उसका नाम यही डोरा रखा गया था। फ्रेंड्स, यदि आपको ये निबंध समझ में आया होगा तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए आप में कमेंट कर सकते हैं।